सो गाइज इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग यूजर से इनपुट लेना सीख रहे थे और फिर हमने एक प्रोग्राम लिखने का ट्राई किया जहाँ पे हमें यूजर से दो नंबर्स को लेके उसको ऐड करना था। बट अनफॉर्चुनेटली हमने डिस्कवर किया कि यूजर से जब भी आप इनपुट लेते हो आपको जो इनपुट मिलता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब अगर आप उन स्ट्रिंग्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे तो वो वैसा नहीं होगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। तो हम फंस गए थे और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि आप अपने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, मतलब टाइप कन्वर्जन करो। इस वीडियो में मैं आपको पहले समझाऊंगा कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है और वो लास्ट प्रोग्राम जो हमने लिखा था पिछले वीडियो में उसको हम लोग सही से ठीक करेंगे, ठीक है। सो टाइप कन्वर्जन क्या है प्रोग्रामिंग में? इट्स अ सिंपल प्रोसेस जिसको यूज करके आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली देयर इज अ क्लॉज, वो डेटा टाइप्स आपस में कन्वर्टेबल होने चाहिए। मतलब आप कोलकाता को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप किसी ऐसे स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते जो इनहेरेंटली नंबर नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्जन तभी होगा जब पॉसिबल होगा, ये तो सिंपल सी बात है और ये बहुत लॉजिक ड्रिवन है, आपको खुद देख के समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइप कन्वर्जन के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप कन्वर्जन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। मैं दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन तब होता है जब पाइथन ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कर देता है, आपको एज अ प्रोग्रामर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, मैं उसका एग्जांपल दूंगा। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन तब होता है जब एज अ प्रोग्रामर आपको बताना पड़ता है पाइथन को कि मुझे इस पॉइंट पे टाइप कन्वर्जन करके दो, ठीक है। सो हम दोनों टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो लेट से आपको लिखना है 4 + 5.5, वॉट डू यू थिंक विल बी द आंसर? आई नो आप लोगों में से बहुत लोग बहुत इजिली बोल देंगे द आंसर शुड बी 9.5, बट ये इतना सिंपल है नहीं। मतलब पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसको आपने दो चीजों को ऐड करने को बोला, बट ये दोनों चीजों का डेटा टाइप अलग है। 4 का डेटा टाइप इंटीजर है और 5.5 का डेटा टाइप फ्लोट है। बट सिंस पाइथन इज इंटेलिजेंट इनफ, वो समझ जाएगा कि मुझे इन दोनों के बीच में एडिशन कैसे परफॉर्म करना है और वो आपको एडिशन परफॉर्म करके 9.5 दे देगा। यहां पर एज अ प्रोग्रामर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई भी लेवल पे टाइप कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, और पाइथन ने इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन्स टाइप कन्वर्जन आपको करके दे दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 5 + 6 + 7j करो, ऑटोमेटिकली आपको 11 + 7j मिल रहा है। यहां पर भी ये एक एग्जाम्पल है जहां पे पाइथन ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, 4.5 + 5 + 5j, 9.5 + 5j, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाए, पहला एग्जाम्पल था इंटीजर और फ्लोट का, दूसरा था इंटीजर और कॉम्प्लेक्स का, और लास्ट था फ्लोट और कॉम्प्लेक्स का। इन तीनों ही केसेस में ऑटोमेटिकली पाइथन ने समझ लिया कि इन दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। बट देर विल बी सर्टेन सिनेरियोस जहां पर आपका पाइथन ये काम नहीं कर पाएगा और वहां पे प्रोग्रामर को खुद से एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि आपको टाइप कन्वर्जन चाहिए, ठीक है। सो ऊपर आपने देख ही लिया था, फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम, वहां पर पाइथन को लगा कि दोनों ही चीजें सिंस स्ट्रिंग है उसको कॉन्कैटिनेशन करना चाहिए रादर देन मैथमेटिकल एडिशन। पाइथन नहीं समझ सकता था, राइट। तो इस तरह के सिनेरियोज में आपको बताना होता है पाइथन को कि आपको टाइप कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, और वहीं पर आता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने के लिए आपके पास फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको आप यूज करते हो अपने हिसाब से, ठीक है। सो मैं आपको एक सिंपल सा फंक्शन बताता हूं, वो है इंट फंक्शन। तो इंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर आप कोई दूसरा कंपैटिबल डेटा टाइप देते हो तो ये फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 4.5 दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4, उसने इस फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने एक स्ट्रिंग दिया होता, दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके या राइट, विथ डेसिमल आप स्ट्रिंग क्रिएट नहीं कर सकते, 45 दिया तो आपने, यू कैन सी आपको 45 के बदले यू आर गेटिंग दिस इंटीजर, ये स्ट्रिंग है बट आपको पलट के एक इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। सो इंट फंक्शन क्या करता है, आपके किसी भी गिवन कंपैटिबल डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अब इसी तरह के फंक्शंस हर डेटा टाइप के लिए अवेलेबल है, जैसे कि फ्लोट के लिए फ्लोट है। सो अगर आप यहां पे 4 दो वो आपको रिटर्न करेगा 4.0, ठीक है। सिमिलरली देयर इज एसटीआर जो कि किसी भी कंपैटिबल डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा इनटू अ स्ट्रिंग। सिमिलरली वी हैव बूल,
सो यहाँ पे अगर आप वन दो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा. सिमिलरली वी हैव कॉम्प्लेक्स, तो अगर आप यहाँ पे फोर दो वो आपको फोर प्लस जीरो जे रिटर्न करेगा. इनफैक्ट आपके पास लिस्ट भी होता है, ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे हेलो दो वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा. सिमिलरली आपके पास टपल्स होते हैं, सेट भी होता है और डिक्शनरी भी होता है. सो बेसिकली जितने भी डेटा टाइप्स आपने पढ़े, हर डेटा टाइप के लिए आपके पास एक टाइप कन्वर्जन का फंक्शन होता है, ठीक है. अब ऑब्वियसली आपको लॉजिक के हिसाब से काम करना है. आप ये नहीं कर सकते कि आप लिखो लेट्स से स्ट्रिंग ऑफ भी हो ही जाएगा, इंट ऑफ कोलकाता. यू कैन नॉट डू दिस, मतलब दिस विल नॉट वर्क, राइट. क्योंकि कोलकाता को कैसे इंटीजर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो यू हैव टू बी कॉमन सेंसिकल और आप वही चीजों को भेजोगे जो कन्वर्टेबल होगा, ठीक है. तो आई गेस आपको समझ में आ गया. एक चीज और जो आपको समझनी है वो ये है कि टाइप कन्वर्जन जो ऑपरेशन होता है वो परमानेंट ऑपरेशन नहीं होता है. मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है. सो लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसका वैल्यू है 4.5, ठीक है. आपने लिखा इंट ऑफ ए एंड यू कैन सी अब ये 4 हो गया, बट अगर आप ए को अभी भी प्रिंट कराओ तो इट इज स्टिल 4.5. मतलब जब आपने टाइप कन्वर्जन लगाया, इट डज नॉट मीन कि आप ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस कर रहे हो. ये एक नया इंटीजर क्रिएट हुआ जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है. बट ओरिजिनल ए अभी भी 4.5 है, मतलब वो फ्लोट ही है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि टाइप कन्वर्जन इज नॉट अ परमानेंट ऑपरेशन, ठीक है. जैसे कि आपने शायद सी में या जावा में आपने टाइप कास्टिंग पढ़ा होगा. टाइप कास्टिंग इज अ परमानेंट ऑपरेशन, टाइप कन्वर्जन इज नॉट अ परमानेंट ऑपरेशन, ठीक है. तो ये काफी हो गया आई गेस समझाने के लिए कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है. अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन. हमने जो ऊपर प्रोग्राम लिखा था, मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं इस प्रोग्राम को एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर. और ये हमारा लॉजिक था और अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस फर्स्ट नम को कन्वर्ट कर दूंगा इनटू इंटीजर लाइक दिस. और अब देखिए अगर हम 45 लिखते हैं और 67 लिखते हैं, हमारा रिजल्ट इज 112, ठीक है. सो टाइप कन्वर्जन से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ऑल्दो इससे बेटर कोडिंग ये होता कि अगर आप जब ले रहे हो उसी पॉइंट पे, यूजर से जब आप इनपुट ले रहे हो उसी टाइम पे अगर आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको अगर मल्टीपल टाइम्स मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने होंगे तो आपको हर बार ये टाइप कन्वर्जन का ऑपरेशन लगाना पड़ेगा. तो रादर देन राइटिंग दिस कोड लाइक दिस, यू शुड राइट इट लाइक दिस. यहीं पर जब आप यूजर से ले रहे हो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, सो दैट आगे प्रोग्राम में कभी भी कितने बार भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने हैं आपको टाइप कन्वर्जन करने की जरूरत ना पड़े. And this is the output, ठीक है. And that's it. Type conversion में बस आपको इतना ही जानना है. कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी, especially जब हम आगे कुछ projects करेंगे तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है. So that's it. Type conversion, I guess आपको समझ में आ गया. Thanks for watching. Bye.